एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुलसी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो होने वाला है हेयर स्टाइल वीडियो। कुछ सिंपल और इजी हेयर स्टाइल्स हैं जो आप किसी भी वेडिंग में, कोई फंक्शन हो, मेहंदी संगीत या फिर ईद आ रहा है, ईद पे आप ये स्टाइल जरूर ट्राई कीजिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज माई फर्स्ट हेयर स्टाइल। यहाँ पे अच्छे से मैंने अपने बालों को कॉम्बिंग कर लिया है, उसके बाद अपने बालों को बीच से डिवाइड कर लिया है। डिवाइड करने के बाद आगे की जो फ्लिप्स हैं उनको एक पतले रबड़ बैंड की हेल्प से टाई कर लिया है। दोनों साइड ऐसे ही लूज टाई कर लीजिए। देन पीछे के जो बाकी बचे बाल हैं उनको अच्छे से एक मोटे रबड़ बैंड की हेल्प से टाई करूंगी। यहाँ पर मैंने ब्लैक मोटी रबर बैंड की हेल्प से अपने बालों को टाई कर लिया। एक पोनीटेल बना ली है साइड में, क्योंकि यहाँ पे हम साइड बन बना रहे हैं तो साइड पोनीटेल करेंगे। इसके बाद अपने बालों को बीच से डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में। दो सेक्शन में डिवाइड करने के बाद एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे। थोड़ा लूज ही रखना है, बहुत टाइट ट्विस्ट नहीं करना, से बालों का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा लगे। उसके बाद बालों को थोड़ा थोड़ा ऐसे निकाल लीजिए, जिससे आपके बाल थोड़े ज़्यादा लगेंगे, आपका बन थोड़ा हैवी बनेगा। फिर यहाँ नॉर्मली जैसे हम बन बनाते हैं वैसे बन बनाएंगे और यू पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। फिर यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल कचरा यूज़ किया हुआ है। फिर अपने साइड वाले हेयर्स के साइड से रबड़ निकाल के जो राइट हैंड साइड में मेरे फ्लिप्स थे उसके बीच में डिवाइड करके उन बालों को साइड में डाल देंगे। फिर हल्का सा ट्विस्ट करते हुए ऐसे रोल एंड रोल करते हुए और रबर बैंड निकाल देंगे। एकदम लूज रखना है। फिर पीछे की तरफ एक पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेना है। सो दिस इज माई फर्स्ट हेयर स्टाइल। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल हेयर स्टाइल है, आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ। दिस इज माई सेकेंड हेयर स्टाइल। सिंपल हेयर स्टाइल है। यहाँ पे एक नॉर्मल सा मैंने पोनी किया हुआ है। अपने फिंगर की हेल्प से ऐसे ही कॉम कर लूँगी, जिससे थोड़ा सा मेरे बालों में वॉल्यूम लगे और थोड़ा आगे की तरफ से मैशी लगे। तो एक मोटे रबर बैंड की हेल्प से मैंने यहाँ पे हाई पोनी टेल कर लिया। इसके बाद बालों को आगे पीछे की तरफ खींच के रबर बैंड को लूज करेंगे और बालों को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद बालों को बीच से निकाल देंगे। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, मैंने भी काफ़ी YouTube पे देखा हुआ है। काफ़ी इजी और सिंपल हेयर स्टाइल है, इसमें मैंने थोड़ा सा अपना ट्विस्ट दिया है। आप ऐसे चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसके दो तीन लेयर्स और बना सकते हो नीचे की तरफ, जैसे मैंने आगे बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं पतले पतले रबर बैंड यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे जैसे मैं हमने फर्स्ट में किया था। नीचे से बालों को निकाल लेंगे, ऐसे ही नीचे भी मैंने किया। मैंने तीन लेयर किए ऐसे ही और सबसे नीचे मैंने यहाँ पे वही जूड़ा रबड़ लगा लिया जो गजरा वाला है, थोड़ा सा मतलब वेडिंग इफेक्ट देने के लिए अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे अपने हेयर एसेसरीज़ के लिए, तो वहाँ पर मैंने वो यूज़ कर लिया जिससे मेरा रबड़ हाइट भी हो जाए और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो दिस इज़ माई हेयर स्टाइल इज़ कम्प्लीट। कैसा लगता है आप लोग को ये हेयर स्टाइल, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।